कहाँ हो? वही जहाँ हम पहली बार मिले थे। गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अरे तुम लोग कहाँ गए थे सुबह सुबह? वो हम पंडित जी से मिलने गए थे। अच्छा, शादी की डेट फिक्स करने। वैसे कौन सी डेट सजेस्ट की है उन्होंने? वो पंडित जी ने कहा है कि पहले हमें शांति पूजा रखवानी पड़ेगी, उसके बाद ही शादी का मुहूर्त निकल पाएगा। ओह, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये पूजा नानू बहन के माता पिता को ही करनी होगी। मीरा जी, आप पूजा में बैठेंगी ना? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं है, बैठेगी बैठेगी, जरूर बैठेगी। अच्छा, अब आप लोग मेरी लाइफ के डिसीजंस लेंगे? कोई मुझसे पूछेगा कि मुझे पूजा में बैठना है कि नहीं? अरे लेकिन वो नैया के लिए। क्या लेकिन धर्म जी? आप मेरे लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते। और रही बात पूजा की, तो मैं आपके साथ कोई भी पूजा में नहीं बैठने वाली। मुझे माफ कर देना बाबूजी, मुझे नहीं पता था कि मीरा जी। नैया, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी गलती क्या? दी कॉफी नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम हमेशा वही करती हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तू कहना क्या चाहती है? तुम पूजा में इसलिए नहीं बैठना चाहती नदी, क्योंकि तुम खुद को नानू बहन की माँ नहीं मानती, या फिर इसलिए क्योंकि पापा जी ने बिना तुमसे पूछे खुद ये मान लिया कि तुम उनके साथ पूजा में बैठोगी। इस बात की तकलीफ हो रही है तुम्हें? कम ऑन दी, ये सही नहीं है। दी, क्या तुम्हारी ईगो तुम्हारे लिए नानू बहन की शादी और इस परिवार की इज्जत से बढ़के है? अब रिश्ते में तुम नानू बहन की माँ हो तो हो, चाहे तुम मानो या ना मानो। भी तुम्हारे पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है ना, इसी में मुझे मेरा जवाब मिल गया। क्या हो रहा है मुझे? क्यों ऐसे में बिहेव कर रही हूँ? दिव्या इज राइट। मुझे अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से नैया की शादी को खराब नहीं होने देना चाहिए। तजवीज दी। अपनी जिद की वजह से अपनी जिम्मेदारियों से मत चूको प्लीज। मुहूर्त का समय हो गया है, पूजा शुरू करें। जी, आपके साथ साथ कन्या के माँ का होना भी आवश्यक है। कहाँ है वो? मीरा जी कहाँ रह गए? आपकी धर्म पत्नी को आने में और कितना समय लगेगा? पंडित जी अब हवन शुरू कीजिए। ये हवन मैं अकेले करूँगा। शुक्रिया मीरा जी, जैसा मैं चाहती थी आप बिल्कुल वैसा ही कर रही हैं। रुकिए पंडित जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए सॉरी। हम ये शांति पूजा मैया की आने वाली शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे इसलिए कर रहे हैं, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं चाहती, और ये मेरा डिसीजन है। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। अजीब है मीरा जी, कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है। अब कन्या के माता पिता एक साथ आहुति देंगे और आप दाहिने हाथ में हवन सामग्री लीजिए। धर्म जी आप इनका दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ पर रखिए और 3 बार ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी बेटी का शादीशुदा जीवन सुख में रहे। अब ये सामग्री हवन कुंड में डालिए। ध्यान से डालिए, 3 बार और करना है। ये हवन आपकी बेटी के लिए किया जा रहा है। जो भी मनमुटाव हो उसे भुलाकर पूजा में ध्यान दीजिए, क्योंकि पूजा सच्चे मन से की जाए तभी ईश्वर तक पहुंचती है। पंडित जी आप मंत्र चालू रखिए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आप सब लोग पूर्ण आहुति के लिए खड़े हो जाइए। जब हम कहेंगे तभी ये सामग्री हवन कुंड में डालिए और कन्या की माता चावल की सामग्री लेकर दाहिने हाथ से हवन कुंड में डालेंगी। और धर्म जी आप इनका दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ से पकड़ के रखिए। हवन समाप्त हुआ। प्रकाश तो ही कह रहा था, मीरा जी अपनी शादी से खुश नहीं है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।